In today's audio, I'm going to describe poem number 1 of class 11th, A Photograph. The poem A Photograph, which is written by Shirley Tolson, is about her mother. जिसमें Shirley Tolson अपने हाथ में एक फ़ोटो लेकर के बैठी हुई है जो कि उसकी मदर का है. इस फोटो में 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं. पहला है Shirley Tolson की मदर और Shirley Tolson की मदर की 2 कजिन्स. ठीक है, इसमें बताया गया कि ये तब की बात है जब इसकी मदर की एज लगभग 12 या 13 साल की थी. तो कैसे इसकी मदर अपने बचपन को एंजॉय करने के लिए सी हॉलीडेज़ यानी सी पर जाया करती थी, बीच पर जाया करती थी. वहाँ पर ये अपनी कज़िन्स के साथ जाया करती थी. इसमें ये बताया है कि कैसे समय के साथ इसकी मदर में तो चेंजेस आए लेकिन सी जो था उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए. फिर इसमें बताया है क्या Shirley Tolson अपनी मदर को याद कर रही है और वो कहती है कि जब 20-30 साल बाद उसकी मदर इस फोटोग्राफ को देखती होगी तो ज़रूर वो मुस्कुराती हंसती होगी अपना फोटोग्राफ देख कर के, और वो अपने बचपन को याद करती होगी कि कैसे वो तीनों यानी खुद मदर और उसकी जो 2 कज़िन्स हैं डॉली एंड बेटी किस तरह से बीच पर जाया करते थे और बीच पर एंजॉय किया करते थे. फिर वो थोड़े सैड मूड पर पहुंच जाती है. कहती है कि उसकी मदर का पास्ट उसका बचपन था जो कि अब वो दोबारा से एंजॉय कर नहीं सकती. ऐसे ही उसी तरह से पोइट का पास्ट यानी Shirley Tolson का पास्ट अपनी मदर का लाफ्टर था यानी अपनी मदर की खुशी, लेकिन अब वो अपनी मदर को खुश नहीं देख सकती है. अब उसकी मदर को मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं. यहाँ पर आकर के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अब कहती है कि अब मेरे पास इस मोमेंट के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है. इस पोएम में पोइट ने अपनी मदर के 3 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है. पहला उसका चाइल्डहुड, फिर उसका एडल्टहुड यानी शादी के बाद की एज, ठीक है, जब वो एक खुद मदर बन गई थी. इसके बाद उसकी डेथ.